जो हिंदू कश्मीरी है जम्मू में रहते हैं, जिनके पास पानी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, उनको उन्होंने कितने पैसे दिए? कुछ दिन पहले मैं उनका इंटरव्यू कर रहा था जी, तो उनसे मैंने ये सवाल पूछा था, तो उन्होंने बोला कि मुझे बताओ कि फिल्म अगर मैंने एक बनाई तो सारे पैसे क्या मैंने ही कमा लिए? कैसे कमाए? नहीं भाई, डिस्ट्रीब्यूटर का शेयर होगा जी, उनका शेयर होगा, तो उनका शेयर नहीं है। चलिए 400 में से 200 करोड़ बनाए, तो 200 में से कितने दिए? 50 करोड़ भी तो दे सकते थे ना। चलिए मैं अगली बार उनसे जरूर सवाल पूछूंगा। लेकिन इस दौर के कई सारे एक्टर्स हैं, अजय देवगन है, मैं अमीश देवगन हूँ इसलिए अजय देवगन का नाम नहीं ले रहा, मतलब अजय देवगन भी है, एक एक्टर है, और अक्षय कुमार हैं, शाहरुख खान हैं, आमिर खान हैं, अगर कोई और भी हो तो आप उनका नाम ले सकती हैं। आपको आज के दौर में कौन सा एक्टर पसंद है? मुझे शाहरुख खान बहुत अच्छा लगता है, आमिर खान अच्छा लगता है, सलमान खान भी अच्छा लगता है। सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान, हाँ, और अजय देवगन। अजय देवगन भी अच्छा लगता है। अक्षय कुमार आपको पसंद नहीं है? नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा नहीं कहा, नहीं। आप कह रहे हैं। अच्छा, एक अगर आपको चूज कर रहा हो तो इन सब में एक कौन होगा? सब अच्छे लगते हैं, सच कह रही हूँ, क्योंकि उनकी पिक्चर, उन वो काम बहुत अच्छा करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, वेरी नाइस। क्या आपको लगता है कि आज का बॉलीवुड और जो बीते वर्षों का बॉलीवुड था उसमें एक बड़ा डिफरेंस आया है, और वो डिफरेंस क्या सबसे बड़ा देखती हैं आप? टेक्निकली हम लोग बहुत सुपीरियर हो गए हैं जी, और कुछ कुछ पिक्चरें बहुत अच्छी बनती हैं, मतलब जिसमें अच्छी एक स्टोरी होती है, अच्छी एक्टिंग होती है, ये सब है। एक एक नया ट्रेंड हमने देखा है, साउथ की फिल्में बहुत चलने लग गई हैं अब पूरे देश के अंदर जी, और एक डिवाइड भी क्रिएट हुआ, बॉलीवुड अलग है, साउथ की पिक्चर्स अलग हैं, साउथ के वाले जो पिक्चर्स बनाते हैं वो ज़्यादा ग्राउंड रियलिटी के नज़दीक बनाते हैं, भारतीयों की पसंद की बनाते हैं, और बॉलीवुड की काफ़ी फिल्में फ्लॉप रहीं लगातार, कई कोविड के बाद से हमने देखा। हाँ, क्योंकि लोग थिएटर में नहीं जाते पिक्चर देखने, पर साउथ की फिल्में चल रही थी। साउथ की फिल्में चल रही है, मैं ना नहीं कह रही हूँ, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा एक्सेस वायलेंस होती है, शायद लोगों को पसंद आता है। अच्छा, एक सवाल जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं सवाल आपसे नहीं पूछूंगा तो वो ठीक नहीं होगा, नेपोटिज्म पर आपका क्या कहना है, बॉलीवुड में नेपोटिज्म पे? कहाँ से नेपोटिज्म की बात कर रहे हैं आप? अगर कोई हीरो का लड़का बड़ा हीरो बन जाता है तो उसको नेपोटिज्म कहते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि कई हीरोज हीरोइंस के लड़के लड़कियाँ नहीं बनते, उनकी बात तो कोई नहीं करता, ये उनका हाल क्या होता है। पर ऐसा कहा जाता है कि आउटसाइडर्स की एंट्री बड़ी मुश्किल है बॉलीवुड के अंदर। बिल्कुल नहीं, हमको कोई तकलीफ नहीं हुई है। अगर आप में टैलेंट है तो आप ज़रूर ज़रूर आगे बढ़ेंगे, हाँ, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा, कंगना रनौत थी आज इस मंच पे, तो कंगना जी ने बोला कि मुंह पर तो सब दोस्त बनते हैं, एक सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, मुंह पर तो सब दोस्त बनते हैं लेकिन वैसे सब दुश्मन हो जाते हैं बॉलीवुड में, कुछ कहना चाहती हैं आप इस विषय पर? मेरी और वहीदा जी और हेलेन जी की दोस्ती कितनी है, बहुत है ना। अब ना वहीदा जी जैसे एक्टर हम बॉलीवुड में देख रहे हैं, ना आप जैसे, ऐसी पुरानी दोस्ती कहाँ दिखती है? वो तो सुनील दत्त साहब और राजेंद्र कुमार जी की भी बहुत अच्छी थी दोस्ती। बिल्कुल, अब कहाँ दिखती है वो दोस्ती? अब वो कंगना जी से ही पूछिए ना कि क्यों नहीं है। मैं उनसे तो पूछ लिया, आपसे पूछ रहे हैं। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आपने ऐसा क्यों नहीं पूछा? मैडम, मैं तो एक्टर हूँ नहीं ना, मैं। नहीं नहीं, आपने कंगना को पूछा क्यों नहीं कि भाई ऐसे क्यों बोल रहे हैं आप? आपने किसी से दोस्ती की है या नहीं? अब उनका अनुभव होगा तभी बोल रही है, करी होगी। देखिए, हर किसी का मतलब ये होता है कि किससे दोस्ती करनी है, किससे दोस्ती नहीं करनी है, तो आप उनसे पूछिएगा कि वो क्यों नहीं दोस्ती करती। मेरे साथ तो बहुत अच्छी है वो जी। मेरा अगला सवाल थोड़ा पॉलिटिकल है। फिल्म इंडस्ट्री जो है वो ऐसा लगता है दो खेमों में बट गई है, एक मोदी विरोध में है, एक मोदी के साथ में है, इस विषय पर आप क्या कहना चाहते हैं?
हमने देखा है ये, हमको पॉलिटिक्स के बारे में कुछ मालूम नहीं है, इसलिए मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहूँगी। भारत पहले भी ऐसे होता था, पहले भी ऐसे ही होता था। आपके दौर में क्या होता था अगर एक छोटा सा बता पाए तो? नहीं, जो सत्ता में होता है उसे मतलब सब देखते हैं, लेकिन मोदी जी ने बहुत अच्छा काम पर अमरजेंसी का दौर भी देखा होगा आपने?